राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लिव लाइफ विद पुनीता। आप सब कैसे हैं फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, आज का मेरा ये जो ब्लॉग है वो मॉर्निंग रूटीन से दोपहर तक का है, और मैं किस तरह अपने बच्चों को तैयार करती हूँ, स्कूल भेजती हूँ, लंच बनाती हूँ उनका, फिर खुद घर का क्लीनिंग करती हूँ और नहा के पूजा वगैरह करके दोपहर का लंच का तैयारी करती हूँ, ये सारा इस ब्लॉग में मैंने आप सभी लोगों के साथ शेयर किया है। और आज मैं अपने बच्चों के लिए जो है आलू की भुजिया और रोटी बना रही हूँ लंच में उनके लिए, क्योंकि मेरे बच्चों को आलू की भुजिया ज़्यादा पसंद है, वो बाकी सब्जियों के मुकाबले इसको ज़्यादा अच्छे से खा लेते हैं। और जिस दिन आलू की भुजिया बना के देती हूँ उस दिन पूरा लंच फिनिश होके आता है, बाकी सब्जी को वो लोग छोड़ देते हैं। और मैं साथ रोटी ही देती हूँ, पराठा और पूड़ी मैं बहुत कम देती हूँ, क्योंकि मैं रिफाइंड ऑयल को बहुत अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं उनकी रोटियों में हमेशा घी लगा देती हूँ कि रोटियाँ जो हैं बच्चे दोपहर में खाते हैं, ठंडी के समय में रोटियाँ जो है वो कड़ी हो जाती हैं, वो घी लगाने से नरम रहती है और बच्चों के हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, उनकी हाइट को ग्रोथ करती है, इसलिए मैं हमेशा इनकी रोटियों में घी लगाती हूँ। और दूसरी तरफ मेरी रोटियाँ बन गई हैं फ्रेंड्स, मैं अपने बच्चों को नाश्ता लगा रही हूँ और उनके टिफ़िन को मैं पैक कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं अपने बच्चों को प्लास्टिक के डब्बे में खाना नहीं देती, उन्हें स्टील का ही लंच बॉक्स में यूज़ करती हूँ, क्योंकि प्लास्टिक है वो एक स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। मैं हमेशा अपने बच्चों को स्टील का ही टिफ़िन देती हूँ। और मेरा बेटा नाश्ता लेके गया फ्रेंड्स, बेटी भी नाश्ता लेके आ गई है, वो बोली मम्मा मुझे रोल करके दीजिए, वो प्लेट में खाना पसंद नहीं करती है, उसे रोल कर दीजिए तो वो खा लेती है अच्छी तरीके से। बाकी लोग अभी घर में सोए हुए हैं, मैं बच्चों का जो लंच बॉक्स है, वाटर बॉटल है, उसे मैं उनके बैग में लगा देती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं वो भूल जाते हैं रखना, इसलिए मैं खुद ये काम करती हूँ, अपने बच्चों के बैग में रखती हूँ। दूसरी तरफ फ्रेंड्स, मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, बेटा मेरा बोल रहा है मम्मा आप ड्राइवर अंकल को एक बार फ़ोन कर दीजिए कब तक वो आएंगे, वो थोड़ा जब तक स्कूल नहीं जाता फ्रेंड्स तब तक मेरे आगे पीछे रहता है। और मैंने ये जो रूम है मेरा उसकी क्लीनिंग मैंने कर ली है, और मैं अब अपनी किचन में जा रही हूँ, किचन को भी मैं चारों तरफ से क्लीन करती हूँ फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि मैं कोई कोना छोड़ देती हूँ, मैं पर डे इसकी क्लीनिंग अच्छे से करती हूँ। और मेरे बेटे का जो है वो नाश्ता हो गया है, वो प्लेट को रखने आया था फ्रेंड्स। अब मैंने अपनी लॉबी को क्लीन करना स्टार्ट कर दिया है, और मैं सारे चेयर्स को हटाती हूँ, टेबल हटाती हूँ, हर मतलब जितनी भी चीज़ें हैं फ्रेंड्स सब हटाने के बाद ही मैं क्लीनिंग करती हूँ, ऊपर से क्लीनिंग नहीं करती हूँ। और बेटा मेरा परेशान है कि मम्मा आप फ़ोन कर दीजिए ड्राइवर अंकल को। फिर फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ उनको कॉल करने कि भैया आप कब तक आएंगे, और अभी बच्चे भी रेडी हो गए हैं और समय भी हो चुका है, क्योंकि 7 बजने को आया है और 7 बजे तक गाड़ी आ जाती है बच्चों की। फिर भी मैंने बोला कि ठीक है, अभी ठंड है बेटा, कोहरा तो नहीं था फ्रेंड्स, धूप निकल जाती है हमारे वहाँ, लेकिन मैंने फिर भी बोला कि बेटा रुक जाओ, अंकल को आ जाने दो तभी तुम लोग जाना। मेरे घर से दिखती है कि गाड़ी आ गई है और बच्चे जा रहे हैं। और फ्रेंड्स, मैंने आगे के रूम को भी क्लीन कर लिया है। रात को फ्रेंड्स जो जितने भी स्लीपर होते हैं और बर्तन होते हैं सब इधर उधर बिखरे होते हैं, उन्हें मैं सुबह उठती हूँ तो सब सही जगह रखते हुए क्लीनिंग करती हूँ। और मैंने जितनी भी मेरे स्लीपर थे, शूज़ थे, उन्हें मैंने शू रैक में लगा दिया है। और ये मेरी बेटी की साइकिल है फ्रेंड्स, इसे मैंने इस इधर की भी साइड से मैंने जितने भी डस्ट है निकाल लिए हैं। अब मेरी जो घर की क्लीनिंग है फ्रेंड्स वो कंप्लीट हो चुकी है, और मैंने अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया अपने घर को फ्रेंड्स। अब जो मेरी बेटी है वो बोल रही है कि चलिए मम्मा और हमें छोड़ दीजिए, पर मैं फ्रेंड्स ज़्यादा दूर नहीं जाती हूँ, अपने गेट से ही देखती हूँ, क्योंकि गेट से दिखता है बच्चों को कि हाँ गाड़ी में बैठ गए हैं वो, और इसलिए मैं उनके साथ नहीं जाती हूँ फ्रेंड्स। और टाइम काफ़ी था, वैन भी नहीं आई थी, तो मैं जल्दी जल्दी सोच रही थी कि जितना काम हो सके उतना काम मैं निपटा लूँ अपने बच्चों के जाने से पहले, इसलिए फ्रेंड्स मैं जल्दी जल्दी जितने भी बर्तन हुए थे बच्चों के नाश्ते के और जो मैंने बनाए थे सुबह के, मैं रात का बर्तन रात को ही क्लीन कर लेती हूँ, मैं सिंक में नहीं छोड़ती हूँ, हस्बैंड लेट नाइट आते हैं उनका ही एक प्लेट रहता है खाने का, बाकी मैं सब क्लीन कर लेती हूँ। और मैं सुबह अपने बर्तन को क्लीन करने के बाद
टाइम देखती हूँ तो बच्चे के पास जाती हूँ, वरना मैं पूरे प्लेटफॉर्म को अच्छी तरीके से अपना जो मेरा गैस है मैं उसके बाद अपने प्लेटफॉर्म को अच्छे से पूरा क्लीन कर लेती हूँ कि जितना टाइम सुबह मिलता है बच्चों के जाने से पहले क्लीन कर लूँ। बच्चों के जाने के बाद से मुझे नहाना होता है क्योंकि पूजा भी करनी होती है। तो फ्रेंड्स मैं क्लीनिंग अपना जल्दी जल्दी निपटा लेती हूँ बच्चों के रहने तक ही। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे चले जाते हैं उसके बाद मेरी क्लीनिंग ख़त्म होती है, लेकिन ज़्यादातर मैं बच्चों के रहते ही क्लीनिंग को ख़त्म कर लेती हूँ अपना, जितना भी मेरा क्लीनिंग बाकी रहता है सारा। और मैंने अपने गैस को भी क्लीन कर लिया है और मैं उसे भी बारीकी से ही डेली पर डे उसे क्लीन करती हूँ। और मैं पर डे फ्रेंड्स अपने गैस को, जो गैस के नीचे का पार्ट होता है, मैं उसे भी क्लीन करती हूँ ताकि वहाँ गंदगी ना जम जाए। गंदगी जम जाएगी तो जब वो कड़ी हो जाएगी तो मुझे सफाई करने में बहुत समय लग जाएगा, इसलिए मैं पर डे क्लीन करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स मेरा घर जो है वो क्लीन हो गया है, ये देखिए आप पूरा घर मैंने क्लीन कर लिया। बस ये लोग सोए हुए हैं अभी और ये मेरे बच्चे अब जा रहे हैं, क्योंकि अब अंकल जी का जो है वो फ़ोन आ गया था कि बच्चों को भेजिए, गाड़ी आ गई है। और देखिए फ्रेंड्स ये मेरी बेटी जा रही है बाय करते हुए, पैर छुई बोली मम्मा और शूज़ अच्छे से नहीं पहनी है ये, तो ये शूज़ पहनते हुए इसका डेली का यही होता है कि ये कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। और ये उसे तैयार होते होते पहुँचेगी, जब तक वो घर से निकल नहीं जाती है उसका तैयारी है वो कंप्लीट नहीं होता है। बच्चे मेरे विदाउट ड्रेस में जा रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि स्कूल में है जो प्रिंसिपल लोग हैं वो लोग बोले हैं कि अभी आप लोग विदाउट ड्रेस में आइएगा, ड्रेस में नहीं आइएगा, इसलिए मेरे बच्चे विदाउट ड्रेस में जा रहे हैं। उनके जाने के बाद मैं जो डस्टिंग का कपड़ा था मेरे क्लीनिंग का मैं उसे साफ़ करती हूँ, फिर मैं उनके जाने के बाद योगा करती हूँ और अपने लिए चाय बनाती हूँ। और फ्रेंड्स मैं फिर अपना थोड़ा रिलैक्स होके मैं चाय पीती हूँ, योगा करने के बाद चाय लेती हूँ, फिर थोड़ा रिलैक्स हो जाती हूँ, फिर मैं जाती हूँ नहाने, क्योंकि थक जाती हूँ। जब तक बच्चे घर से जाते नहीं हैं तब तक वो नचाते रहते हैं, इसलिए मैं थक जाती हूँ। फिर मैं फ्रेंड्स मैं अब नहा के आ चुकी हूँ और मैं अपना जो डेली का मेकअप होता है सिर्फ़ एक क्रीम लगाना, और मैं ज़्यादा कुछ पर डे नहीं करती हूँ फ्रेंड्स। आज मैंने अपने जो बाल हैं उन्हें भी धुले थे और मैं सिंदूर लगा लेती हूँ, और इसलिए मैंने अपने बाल में तौलिया लपेटा है क्योंकि मैंने अपने बाल को जो है वो धुला है। और फ्रेंड्स अब मैं तैयार हो गई हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स अब मैं पूजा कर रही हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा, आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि मेरे न्यू अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। मैंने सारे कपड़ों को छत पे डाल लिया था और सब्ज़ी की तैयारी कर ली हूँ जो लंच में हम यूज़ करेंगे जिस सब्ज़ी को। और मैंने दाल रोटी और चावल तो अभी नहीं बनाया फ्रेंड्स, चावल मैं सब्ज़ी बनाने के बाद ही बनाऊँगी क्योंकि हस्बैंड 2 बजे तक खाते हैं खाना, तो इसकी वजह से मुझे चावल थोड़ा लेट बनाना होता है। और मेरी जो ये सोया बड़ी है वो मेरी फ्राई हो चुकी है, मैं थोड़े तेल में ही फ्रेंड्स फ्राई करती हूँ। दूसरी तरफ मैंने कुकर को चढ़ा दिया है, जब मेरी तेल जो है वो गर्म हो गई तो इसमें ज़ीरा तेज़पत्ता लहसुन इन सबको भून लेती हूँ, फिर मैं इसमें प्याज ऐड करती हूँ। मेरा प्याज पूरी तरीके से नहीं फ्रेंड्स, 50% जब पक जाता है तो मैं इसमें जो है अपने सोया बड़ियों को और आलू भी जितना मैंने कट किया था वो आलू को ऐड कर देती हूँ। और इनमें मैं हल्दी पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर सिर्फ इतना ही डाल के मैं इन्हें भूनूंगी। मैं इन्हें तब तक भूनूंगी जब तक प्याज थोड़ा और पक ना जाए, मैं प्याज को ही देखती हूँ क्योंकि प्याज अगर पक जाएगी तो मैं इसमें जो मैं गर्म मसाला इसमें ऐड करके इसे 2-4 मिनट और इन्हें मैं भूनूंगी। और इन्हें मैं धीमी फ्लेम पे ही मैं भूनती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि अगर मैं इन्हें हाई फ्लेम पे भूनूंगी तो मेरी सब्ज़ी जो है वो जल जाएगी, इसलिए मैं सब जितनी भी सब्ज़ियाँ बनाती हूँ सबको मैं धीमे ही मतलब फ्लेम पे भूनती हूँ। अब फ्रेंड्स ये मैंने जितनी भी मुझे थिकनेस चाहिए उतनी मैं पानी को ऐड करके और इसे 2-3 विसल आने तक मैं इसे पका लूँगी। और फिर मैं इसे जो मेरे आलू हैं वो थोड़ा मैं अच्छी तरीके से चला दूँगी। और ये मेरी सब्ज़ी फ्रेंड्स तैयार हो चुकी है, अब मैं सभी के लिए लंच लगा दूंगी। फर्स्ट मैं अपने हस्बैंड के लिए लंच लगा रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि हस्बैंड को दे दूंगी, फिर उसके बाद मैं बाकी लोग को दूंगी। फ्रेंड्स अब मैं ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।